किचन में एक बार मैजिक मसाला रख के तो देखिए, आपके घर में मैजिक हो जाएगा। बच्चे जो खाना खाने में आनाकानी करते थे ना, तो बार बार मांग मांग के खाएंगे। बच्चे बड़े हैं या छोटे, उनको सब्जियों को खिलाना बहुत ही मुश्किल है। तो आज हम एक मसाला बनाएंगे, वो है एकदम से मैजिक काम करेगा। आप जो भी सब्जी बनाओगे उसमें अगर ये मसाला डाल दिया, बच्चे उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। आपको लगेगा इन बच्चों को हो क्या क्या। तो आज वही मसाला बनाएंगे, कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलते हैं ऐसा मसाला बनाने के लिए। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, एक दो सिंपल सब्जी बनाएंगे, उसमें वो मैजिक मसाला डालेंगे और आपको दिखाऊंगी कब हमें डालना है, कब उस सब्जी को मिनटों में बहुत ही टेस्टी बनाना है। और कोई मैं मसाले एक्स्ट्रा नहीं डालूंगी, नमक मिर्च धनिया हल्दी के सिवाय मैं कोई और मसाला यूज़ नहीं करूंगी। सिंपल सा, हमारे पास घर में जब टाइम नहीं होता, कम ऑयल में, और गोभी भी मैं कोई टमाटर अदरक लहसुन कुछ नहीं डाल रही हूँ। मैं आज सिर्फ इसको सिंपल हींग जीरे में बना रही हूँ, और इसे भी सिर्फ चार मसाले हम भर रहे हैं। वैसे हम छोटी भी बना सकते हैं, और भी कोई सब्जियाँ बनाएं जो बच्चे नहीं खाते हैं, शिमला मिर्च, लौकी, कोई भी सब्जी, उसमें भी ये मसाला डाल सकते हैं। भिंडी को मैंने वॉश किया है, दोनों तरफ से काट लिया है, और इसे मैंने ऐसे चीरा लगा दिया है इस तरीके से। तो आप स्टफ्ड भी कर सकते हैं, विदाउट स्टफ्ड भी कर सकते हैं, जैसा आपको मन करे। करीब 250 ग्राम मेरे पास भिंडी है, इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक। मैं सेंधा नमक घर में खाती हूँ, तो ये सेंधा नमक है, आप कोई भी ले सकते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, इसे हम मिक्स करेंगे। कोई तामझाम नहीं करेंगे, सिंपल सी भिंडी बनाएंगे, और फिर मैं बताऊँगी। जब तक ये सब्जियाँ बनती रहेंगी, मैं आपको मैजिक मसाला भी दिखा दूंगी। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगी, जो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसे हमने अभी अभी स्टार्ट किया है, वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट है बच्चों के हिसाब से, तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। उस चैनल का नाम है माँ ये कैसे करूँ। आपके भी बच्चे इसी तरीके से कई सवाल करते हैं, हमारे भी बच्चे करते हैं, तो उसमें पता चले कि आपके बच्चों ने आपके साथ कौन से सवाल किए हैं। जितने ज़्यादा पार्टिसिपेट होंगे, उतने ज़्यादा हम उनसे जूम पे मिलेंगे, और उनको घर बैठे हम गिफ्ट भेज दिया करेंगे। यहाँ देखिए, थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ मैं भिंडी के लिए। यहाँ डालेंगे थोड़ा सा जीरा, आप जो भी खाते हैं अपने हिसाब से बनाइए, पर मैं अभी बहुत ही सिंपल तरीके से, कई बार मैं ऐसे बनाती हूँ मसाले को बिना सेके ही, ऐसे ही कच्चा ही बना लेती हूँ मैं। थोड़ी सी हींग डाल दी, अब इन भिंडी को डाल दूँगी, पर इससे पहले थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूँगी। मसाला भी आप अपने हिसाब से डालिए। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा ढक के मैं इसे दूसरे गैस पर रख देती हूँ। ये धीरे धीरे बनेगी, तब मैं आपको बताऊँगी। अभी मैं इधर गोभी डाल देती हूँ। ऑयल डाल दिया हमने, जीरा, यहाँ डालेंगे हम थोड़ी सी हींग। गैस की फ्लेम स्लो है, यहाँ डाल देंगे हल्दी, और डाल देंगे ये धुली हुई कटी हुई। आप जिस ऑयल में बनाना चाहते हैं, मसाले जैसे खाते हैं, उस हिसाब से ही बनाइए। आप टमाटर अदरक लहसुन सब डालिए, पर अभी मैं सिंपल ही बना रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, और इसे भी कवर करके दूसरी गैस पर रख दूंगी इसे सॉफ्ट होने के लिए। मैं घर में बहुत तरीके के मसाले बनाती रहती हूँ, जैसे बिरयानी मसाला, सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला। तब यही कहते हैं कि काम ही ख़त्म कर देते हो, इतना बढ़िया मसाला होता है कि सब्जी पता नहीं इतनी अच्छी टेस्टी बनने लगती है, जो बाज़ार के मसाले होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी बनती है। तो आज ये मैजिक है मसाला, बच्चों के खुश करने के लिए यही एक तरीका है। घर में बैठे हैं बेचारे परेशान हो गए हैं, रोज़ मैगी मांगते हैं, तो आप मैगी रोज़ देते नहीं हो, तो वो मसाला तो एटलीस्ट बनाइए। तो जो बच्चों को खुश करने का तरीका, यही इससे ज़्यादा अच्छा है ही नहीं। तो इसमें कुछ
मैंने मसाले ऐसे लिए जो साबुत, कुछ मैंने पाउडर मसाले लिए हैं। तो हम पहले कुछ साबुत मसालों को सेकेंगे। ये एक्यूरेट जो मैं मसाले ले रही हूँ इसी रेशियो से लीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। 3 टेबलस्पून ले रही हूँ मैं सूखा साबुत धनिया, और सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 4 सूखी साबुत लाल मिर्च, डंठल हटा दीजिए, 3 से 4 ले सकते हैं, और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। ये देखिए 1/4 टीस्पून मेथी दाना लिया है, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना लें। बहुत छोटा सा जायफल लेंगे, 4 छोटी इलायची, और करीब करीब हम 25 दाने लेंगे काली मिर्च के, और ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो। 25-30 दाने हैं काली मिर्च के, इनको हम पहले सेक लेते हैं। इनका हमें सिर्फ मॉइस्चर ख़त्म करना है, बहुत ज़्यादा सेकना नहीं है, क्योंकि हमें ब्राउन नहीं करना है मसाला। अगर आपके पास लौंग है तो 4 से 5 लौंग डाल दीजिए। मेरे पास लौंग का पाउडर था इसलिए मैंने वो नहीं डाला है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इन मसालों को हम थोड़ा ठंडा करते हैं। घर में हम बनाते हैं बहुत ही बढ़िया, बिना केमिकल के बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और हम उन मसालों को हटा देते हैं जो हमें बच्चों के लिए नहीं चाहिए। तो खास मसाले जो 2 डाले जाते हैं, जो MSG मतलब अजीनोमोटो पाउडर डाला जाता है, वो हम नहीं डालेंगे। दूसरा पाउडर डालते हैं इसमें साइट्रिक एसिड, बच्चों का गला ख़राब होता है तो हम अमचूर से काम चलाते हैं, हम वो नहीं डालते। तो ये बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है, इसे बना के काफ़ी क्वांटिटी में रख दीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, चाहे आप बाहर भी रख देंगे। अब बारी आती है हमें इसमें और कौन से मसाले डालने हैं। यहाँ देखिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच चीनी, ये देखिए 1/8 टीस्पून या 4 से 6 लौंग, ये मैंने डाल दिया लौंग का पाउडर, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नमक, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये साइट्रिक हम नहीं डालेंगे। अच्छा, बारिश से बचने के लिए बाहर भी मार्केट में डाला जाता है, क्योंकि मॉइस्चर ये जो है ये पाउडर कम करता है, ये है कॉर्नफ्लोर, ये 1 चम्मच मैंने लिया है। ये इसे किसी भी मसाले में इस बारिश के सीज़न में डालेंगे तो आपका जो मसाला है वो मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा। ये मार्केट में ज़रूर डालते हैं और हर टाइम डालते हैं, हम अभी इसे डाल रहे हैं, इससे ये मसाला जो हमेशा ड्राई रहेगा। आरारोट या कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच भर के, नॉर्मल 1 घर का चम्मच भर के। अब आती है इसमें और क्या डालते हैं। 1/2 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर, जिसे गार्लिक पाउडर कहते हैं, 1/2 टेबलस्पून जिंजर पाउडर, जिसे अदरक का पाउडर कहते हैं। ये दोनों ही आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, हर जगह मिल जाते हैं, और अगर नहीं तो मेरा चैनल पे आप देखिए, मैंने 6 टाइप के मसाले बनाए हैं, उन्हें आप बना सकते हैं इस वक्त बिल्कुल आराम से। सिर्फ टमेटो पाउडर, बीटरूट पाउडर इस वक्त नहीं बनेगा क्योंकि बारिश का सीज़न आ गया है। ये है अनियन पाउडर, जिसे प्याज का पाउडर कहते हैं, ये 1 टेबलस्पून डाल दीजिए। यहाँ देखिए मैंने लेमन पाउडर भी बनाया था, लेकिन क्योंकि बारिश है इस वक्त आपका नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने अमचूर पाउडर डाला। वैसे चाहते तो हम ये भी डाल सकते थे। ये है नींबू का पाउडर। अब इन सब को हम ग्राइंड कर लें। आप इसमें चीनी, अमचूर पाउडर, नमक, लाल मिर्च, ये 4 चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके घर में जैसे पसंद है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सा मैजिक मसाला पाउडर बन गया। 1 चम्मच मिलता है अपने को 5 रुपीज़ का, और फिर क्या होता है कि वो भी कभी नहीं होता है तो हम परेशान होते रहते हैं। तो ये देखिए ना कितना बढ़िया, ये देखिए गोभी जो है बहुत ही बढ़िया तैयार हो गई है, और इसमें मैंने ऑयल निकाल दिया है जो मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था। अब इसमें जो नॉर्मल हम घर के मसाले डालते हैं, नमक हल्दी हम डाल चुके थे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ और धनिया पाउडर, बस ये 4 मसाले बहुत हैं। अब इसको मैजिक बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें मैजिक मसाला। ये देखिए जितना आपको पसंद है अपने हिसाब से डालिए, और इसका मैजिक देखिए, बच्चे
दीवाने हो जाएंगे इस सब्जी के, बहुत पसंद आएगी ये सब्जी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को रोल बना के दीजिए, आपका काम हो जाएगा बिल्कुल आधा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे खाने के मामले में। अब इस सब्जी को हम निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए, ये हम डालेंगे लास्ट में मैजिक मसाला, और सब्जी का टेस्ट जो बढ़ जाएगा, मतलब अगर आप जिसको भी पैक करके दोगे, अगर ऑफिस में भी, तो फोन जरूर आएगा कि आज भिंडी में क्या डाला था, बहुत ही टेस्टी। तो इसे हम निकाल लेते हैं। और हर सब्जी में डालिए जिसमें आपका मन करे, ड्राई सब्जी या सेमी ड्राई, और इसमें गीला चम्मच न डालिए, काफ़ी दिनों तक ये मसाला आपका चल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर हमारी प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इससे मिलती जुलती और भी रेसिपी आपको दिखेंगी, उन्हें आप ज़रूर चेक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न करें।